ये है हमारे मीना मंच और बाल संसद का रजिस्टर। इस प्रकार हमने जो है तो बाल संसद का गठन किया है, मीना मंच का पुनर्गठन किया है। ये इस प्रकार पावर रेंजर का गठन किया है और समितियों का गठन किया है। ये हमारी चार समितियां हैं, अनुशासन समिति, प्रार्थना समिति, स्वच्छता समिति, भोजन समिति और प्रार्थना प्रबंध समिति। इस तरह से हमने इसका गठन किया है। थोड़ी छोटी सी कविता लिखी है, आओ बने बाल संसद के सशक्त मतदाता। बाल अधिकार बहुत ज़रूरी है, यह संकुल के विकास की धुरी है। सारे बच्चे एक समान, करना है सबको मतदान। फिर मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन दिया है हमने। तत्पश्चात बाल संसद क्या है, बाल संसद क्यों ज़रूरी है। ये जो है हमारे मानव संसाधन विकास के निर्देश के तहत इस कार्यक्रम का संचालन होता है, तो क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताया गया है। फिर एक छोटी सी कविता लिखी है हमने। फिर बाल संसद की आवश्यकता क्यों है और बाल संसद का स्वरूप क्या है और इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होनी है और तत्पश्चात मतदान की तैयारी कैसे करनी है। ये हमारे 13 बिंदु पर आधारित है। सबसे प्रथम गठन की प्रक्रिया, नामांकन भरना, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार, निष्पक्ष मतदान की तैयारी, आचार संहिता, मतदान दल का गठन, मताधिकारों द्वारा निष्पक्ष मतदान करना, नाम की पर्ची से मिलान करवाना, गुप्त मतदान करवाना, मत पत्र देना, अमिट स्याही लगाना, मतगणना करना और तत्पश्चात शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी करना। और हमारा एजेंडा क्या है इसका हमने लिखित विवरण दिया हुआ है। फिर कार्रवाई जो है तो 13 तारीख को हमारी जो है तो कार्रवाई हुई, उसमें जो है हमने सभी मंत्रियों का उल्लेख किया हुआ है और सभी को हमने इस बात की जानकारी दी, सभी बच्चों को जो भी जिस पद पे थे उनके पद के क्या कारण है, उन समितियों के बाल संसद के मंत्रिमंडल के समितियों के क्या कारण, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री, उप स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान एवं पुस्तकालय मंत्री, उप पुस्तकालय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री और उप सांस्कृतिक मंत्री, इन सभी को उनके दायित्वों और कार्यों के बारे में विवरण जानकारी दी उनको। फिर उसके बाद सभी को मतदान तत्पश्चात मतदान के पश्चात आमंत्रण पत्र दिया, शपथ ग्रहण समारोह होना है तो सबको आमंत्रण पत्र दे के बुलाया और उसके पश्चात बाल संसद का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। इसमें सभी ने शपथ लिया और फिर इसके बाद शपथ पत्र दिया और प्रथम बैठक 20 तारीख को बाल संसद की प्रथम बैठक की गई। उसमें सभी बच्चों को इकट्ठा करके ये बताया गया कि सभी बच्चों को उपस्थिति को लेकर बच्चों ने चर्चा की कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन बच्चों को भी हमें विद्यालय तक लेकर आना है और जो बच्चे साफ़ सुथरे नहीं आते उनको सभी को नहा धोके साफ़ सुथरे होकर विद्यालय आना है। इस बात की बच्चों ने सबसे बातचीत की और इस पर सबसे प्रथम कार्रवाई करने की चेष्टा की। तो ये हमारा बाल संसद का गठन और उसकी कार्रवाई और किस तरह से बाल संसद का रजिस्टर बनेगा ये इसमें हमने बताया आपको।